दलदल। संध्या के 6:30 बज चुके थे। देवानंद जी की नजर दीवार पर पड़ी, कैलेंडर पे पड़ी। तारीख पर नजर पड़ते ही वे अनमने से हो गए। चांद को बादलों के झुंड से ढका देख उनके मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उन्हें लगा उनकी स्थिति भी इस शरद पूर्णिमा के चांद की तरह ही तो है। उनकी ख्याति के चांद ने भी के बादलों में ढकी हुई है। मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा साहित्यिक आयोजन हो रहा है और उसके आयोजक उन्हें सूचना तक नहीं दी, जबकि कभी ये गजेंद्र और दिवाकर घंटों उनके पर पड़े रहते थे। इससे में उनकी बड़ी पुत्रवधु काव्या उनके पास आई, उनको मोबाइल पकड़ाते हुए बोली, डैडी जी आपका फोन, झूले में बैठकर आराम से बात कर लीजिएगा। हाँ आपने दवाई ली? वे कुछ कहे उससे पहले ही वह हिरनी की तरह कुलाचे भरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोबाइल कान के पास ले जाते ही एक जोरदार मर्दाना स्वर गूंजा, देवानंद जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो भाई? कुछ देर बाद मुझे मंच में उपस्थित होना है। घर पे ही हूँ, उन्होंने मरी मरी आवाज में कह दिया। उदासी की एक मोटी परत ने उनके सदाबहार हंसी को ढक लिया। कमाल है, आप जैसा राष्ट्रीय स्तर का लेखक घर में दुबका बैठा है। मैं दिल्ली से यहाँ आ सकता हूँ और आप? दिवाकर ने उपहास भरे स्वर में इतना कहकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। यह कह दिवाकर की हनकती हंसी गूंजी और उनके बोल उनके कान पर पड़ने लगे। अरे संजना जी, इस काली साड़ी में आप बिल्कुल अप्सरा जैसी दिख रही हैं। देवना जी, बाय गॉड, इस गुलाबी अनारकली सूट में तो आप गजब ही ढा रही हैं। अब तो आपकी हाइकू संग्रह का विमोचन मुझे करना ही पड़ेगा। अरे 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 राधे श्याम जी, मेरे पाँव मत छुओ, सुना है आप बहुत बड़े आयोजक बन गई हो। अरे मैं तो आपके मोटी मोटी भवरे जैसी काली सांपों का दीवाना हूँ। फिर मेरी चेलियां किस खेत की मूली है भाई? आप चिंता ही मत करो, इस बार 8 मार्च को आयोजित महिला साहित्यकार सम्मेलन में मैं तो आऊंगा ही, अपनी खास चेलियों को भी लाऊंगा। बस किसी नाम के भूखे से मुझे 5,000 की थैली जरूर भेंट करवा देना। अच्छा, इन लोगों को खुशामदी करने के चक्कर में प्रोफेसर दिवाकर अपना मोबाइल बंद करना ही भूल गए। तभी मुझे यहाँ बैठे वहाँ कही सारी बातें सुनाई दे रही है। मन ही मन इतना कहकर देवानंद जी हंसे, मोबाइल ऑफ किया, झूले की रिंग बढ़ाकर अपने आप को बहलाने का जतन करने लगे। और स्मृति की रंग बिरंगी परियों ने उनके मन को अपने अदृश्य पंखों से सीधे स्मृति के पुराने वन में पहुंचा कर ही दम लिया। स्मृति के पुराने उपवन में पहुंचते ही वे 50 साल पहले की घटनाएं कभी के सामने उनकी तरह खिलने लगी। उन दिनों वे रेलवे की नौकरी करते थे, रेलवे क्वार्टर में ही रहते थे। उन दिनों आज के सुप्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार दिवाकर को कोई जानता ही नहीं था। जानता भी कैसे, उस वक्त तो वे नथिये के नाम से जाने जाते थे या द्राक्षा के बेटे के तौर पर। पिता नंबर वन और घर में छोटे छोटे 7 भाई बहनों की फौज। बेचारी द्राक्षा कई लोगों के घर रोटी पानी बनाने का काम करके घर का खर्चा चला। नथू जी उर्फ नथिया कभी कुल्फी का गाढ़ा लगाते तो कभी घर घर जाकर पापड़ बेचते। एक बार टप्पू में कॉलेज से लौटते वक्त नयनतारा जी से ने पापड़ बड़ी खरीदने की गुहार क्या लगाई। नयनतारा जी का ममत्व जाग उठा, खुद तो पापड़ बड़ी खरीदी ही, आसपास की पड़ोसियों से भी नथू जी की पापड़ बड़ी खरीदने का अनुरोध किया। एक सहयोगी सभा की महिला प्रोफेसर की बात भला घरेलू पड़ोस में कैसे टालती। फटाफट नथु जी का सारा सामान बिक गया। नयनतारा जी ने नथु जी से सौजन्यतावश की पढ़ाई का पूछा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। फिर बोले, मैडम 10वीं की परीक्षा आने वाली है और मुझे अंग्रेजी और गणित समझाने है ही नहीं। नयनतारा जी ने नथु जी को अपने बड़े बेटे विवेक से अंग्रेजी और गणित पढ़ने का सुझाव दिया। भाव विभोर होकर नथु जी ने नयनतारा जी के पैर छू लिए। फिर तो एमए तक उसकी पढ़ाई का खर्चा नयनतारा जी ने सहर्ष उठा लिया। अपने सहकर्मियों से वे नथु जी को होम ट्यूटर रखने की सलाह देती तो कभी उन्हें परीक्षा के हेतु निशुल्क कोचिंग करवाने के लिए गिड़गिड़ाती। समय अपनी गति से चलता रहा। नथु जी कब प्राइवेट कॉलेज से में अतिथि व्याख्याता बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। पर हाँ,
वे पहले की तरह उनके रेलवे क्वार्टर की छत पर मासिक काव्य गोष्ठियां आयोजित करते। शरद पूर्णिमा की रात नयन तारा जी की बनाई खीर मांग मांग कर खाते। लेकिन सरकारी कॉलेज में नौकरी लगते ही थे वे उन्हें देखकर कन्नी काटने लगे। जब राजगढ़ का राधेश्याम सिंह देवानंद वर्मा के साहित्य सृजन पर पीएचडी करने लगा तो उन्हें पता चला कि उनका रिसर्च गाइड डॉक्टर दिवाकर है। राधेश्याम ने किराए की कार में डॉक्टर दिवाकर और उनकी पत्नी छाया को लेकर उनके घर में उनसे मिलने आया था। फिर क्या था, जब भी राधेश्याम उनकी किताबों पर लिखी चर्चा करने आता तो प्रोफेसर दिवाकर के लालची स्वभाव के किस्से सुनाता। डॉक्टर दिवाकर आए दिन छाया के साथ उनके घर आ धमकते। दिन हो या रात, पति पत्नी उनके घर में खाना खाकर ही टलते। रिटायरमेंट से पूर्व देवानंद जी ने करणी नगर में एक प्लॉट खरीद रखा था, जिस पर सेवानिवृत्ति के पश्चात नयनतारा जी ने अपनी जमा पूंजी से एक प्यारा मकान बनवा डाला। प्रोफेसर दिवाकर आए दिन दिल्ली के चक्कर लगाते लगाते एक साहित्यिक पत्रिका के संपादक हो गए। कभी तो वे औसत दर्जे के थे ही, पर अपने लटके झटकों से आयोजकों और आम श्रोताओं को मोहित करने में मास्टरी हासिल कर रखी थी। वे यादों के फूलों से महके जा रहे थे कि काव्या खीर का एक बड़ा सा भगोना लेकर उनके पास आई। उन्होंने काव्या को भगोना रखने में मदद की, फिर दबी आवाज में बोले, बेटा दिवाकर को जरा फोन लगाना, इतने दिनों बाद उसे मेरी याद तो आई, चलो अच्छा टाइम पास हो जाएगा। डैडी जी, आपको क्या जरूरत है इस नासुकरे इंसान को फिर से मुंह लगाने की? पता है, जब मैं कुंवारी थी और गांव में अप डाउन करती थी तो ये भी कॉलेज जाने के लिए जानबूझकर उसी बस में बैठते थे। मुझे चुटकुले नुमा हास्य कविता सुनाना चालू कर देते थे। बेटा, तूने ये बात हमें कभी बताई तो नहीं? देवानंद जी ने चौंकते हुए पूछा। क्या बताती? मम्मी जी विश्वास करती? बेकार मेरे चरित्र पर आप लोग शक करते। इसकी ऐसी कई करतूते हैं क्या बताने लायक ही नहीं है। इसने कई मास्टरनियों के साथ ऐसी करतूते की कि उनके घर के तुड़वाने में इसने कोई कसर ही नहीं रखी। इनके साथ कई साहित्यकार और प्रोफेसर तो बात करने से भी डरते थे। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर डॉक्टर दीनदयाल शर्मा भी तो जाने माने साहित्यकार थे, पर इन जैसा ओछा स्वभाव किसी का नहीं देखा। घिना भरे स्वर में काव्या ने उत्तर दिया, पर बेटा दिवाकर था तो विनयी और मेहनती। उन्होंने काव्या का मुंह ठीक करने के लिए कहा। गहरे हरे रंग की रेशमी साड़ी का पल्लू झटकते हुए काव्या बोली, डैडी जी मेहनती तो आप भी कम नहीं है। पिछले 50 सालों से आपकी भी 400 से ज्यादा कहानियां छप चुकी है। 4 उपन्यासों में 2 को पुरस्कार मिल चुके हैं। 5 विद्यार्थी आपके साहित्य में पीएचडी कर चुके हैं। कितना कम है? नीचे चलिए, सभी खाने की मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए आपकी दवाई। पानी की बोतल और दवाई उन्हें पकड़ा कर नयनतारा जी बोली। काव्या नीचे उतर गई तो नयनतारा जी चूल्हे में उनके बगल में बैठ गई। नयनतारा जी की सबके से प्रेस की हुई नीली साड़ी और गुलाबी ब्लाउज को वे सराहना की दृष्टि से देख ही रहे थे कि दिवाकर का नंबर मोबाइल स्क्रीन पर चमकने लगा। वे बच्चों की तरह कोतवाल से बोले, हाँ भाई दिवाकर, प्रोग्राम शुरू हो गया क्या? कौन कौन से साहित्यकार आए हैं? दूसरी तरफ से प्रोफेसर दिवाकर झुंझलाते हुए बोले, यार देवानंद जी, आपके शहर के लोग भी अजीब हैं। लोगों के टाइम की कदर जानते ही नहीं। अब पता चला कि बूफे की जगह सिर्फ चाय नाश्ता ही है। सोचता हूँ आपसे मिलता ही चलूं। देवानंद जी हैरानी से बोले, अरे गजेंद्र जी तो आपके पुराने मित्र हैं, आपको ही उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया, मुझे तो। उनकी बात पूरी होने से पूर्व ही नयनतारा जी ने मोबाइल छीनकर माइक ऑन किया और कहा, प्रोफेसर दिवाकर, नहीं 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 नट्टू जी, ये हम सभी जानते हैं कि वर्मा जी आपकी तरह उच्च शिक्षित नहीं है और ना ही किसी साहित्यिक पत्रिका के संपादक। आपको बुलाने वाले गजेंद्र की तरह आयोजक भी नहीं है, पर हैं तो एक स्वाभिमानी लेखक। जिस लेखक ने अपना पाठक वर्ग तैयार कर रखा है वो किसी से मिलने क्यों जाए? और हाँ, हमारे घर इतनी रात को आने की जरूरत नहीं है, कहकर नयनतारा जी ने फोन काट दिया। देवानंद जी बच्चे की तरह ठुनकते बोले, अगले ने चलाकर फोन किया था, मैं भी 2-4 बातें कर लेता। जब उसे पता चलता कि गज्जू ने आपको आमंत्रण कार्ड भेजा ही नहीं, क्योंकि उसे अब आपसे कोई मतलब ही नहीं है। दिवाकर आपकी क्या इज्जत करता? उसके सामने अपना दुखड़ा धोने से क्या होता? सामने हमदर्दी दिखाता, 5 में 4 जनों के सामने आपको बेचारा साबित कर सकता। आज का जमाना ही ऐसे लोगों का है, जो निस्वार्थ रूप से किसी की मदद करता है उसे ये लोग बेकूफ समझते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं।
समझे राइटर साहब, कहकर नयनतारा जी ने उनके बालों में अंगुलियां फिरानी शुरू कर दी। उन्हें लगा उन्हें करंट जैसा लग रहा है। ये करंट नयनतारा जी की बातों का है या उनकी अंगुलियों का, वे सोचने लगे। उन्हें अपने ख्यालों में खोया देख नयनतारा जी मुस्कुराते बोली, आपके साथ 50 साल गुजार चुकी हूँ, आपके अंतस की पीड़ा को बखूबी पहचान रही हूँ, पर आपकी पहचान इतनी छोटी तो नहीं कि शहर के कोई साहित्यिक जलसा कराने वाला आपको आमंत्रित करना भूल जाए तो आप अपनी काबिलियत पर ही शक करने लगे। नयनतारा जी की बात सुनकर उनकी नजर आसमान की तरफ गई। शरद पूर्णिमा का चांद बादलों की ओर से निकल आया था, उसकी शीतल किरणें खीर में अमृत वर्षा कर रही थी। नयनतारा जी बोली, पहले ये खीर दिवाकर और गज्जू को खिलाते थे, अब की बार पास की झुग्गी में बांट कर आएंगे। आपको ध्यान है ये झुग्गी वाले आपको कितना सम्मान देते हैं, एक साहित्यकार के तौर पर नहीं एक इंसान के तौर पर। किसी गरीब की आस का दिया बनना हर के नसीब कहाँ होता है। ज्यादातर लोग तो महफिल की समा बनने में ही जिंदगी गुजार देते हैं। वे लक्ष्य के बोले, थैंक यू जान मुझे इस दलदल से उबारने के लिए। उनके इतना कहते ही नयनतारा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्हें लगा उनके चारों ओर मोगरे की कलियां खिल गई है। धन्यवाद, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो मेरा श्रम मेरा परिश्रम सार्थक होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूर्णिमा मित्रा आपसे विदा लेती हूँ।